ओम महागणेशाय नमः, ओम गंग गणपतये नमः। गणपति वाच एस्ट्रोलॉजी से मैं प्रोफेसर डॉक्टर ए के चौबे आप सभी मित्रों का अपने इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मित्रों नमस्कार। मित्रों मैं हाजिर हूँ देखिए फिर आपसे एक विशेष चर्चा करने के लिए। चर्चा का विषय बताऊँ उससे पहले निवेदन करूँ, मेरे चैनल को जो पहली बार देख रहे हैं वो प्लीज सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और नोटिफिकेशन में ऑल सेलेक्ट कर लेंगे ना तो मेरे अगले वीडियो की सूचना स्वतः उनके अकाउंट में पहुंच जाएगी। तो मित्रों अभी आप जो है मेरी चर्चा चाहे चंद्र राशि के ऊपर बेस्ड देखें, चाहे लग्न राशि पर देखें, चाहे नाम राशि पर देखें, लेकिन आपको अपना सटीक भविष्य पर जानना है तो अपनी जन्म कुंडली को जरूर दिखाएं। जन्म कुंडली और वर्तमान गोचर की कुंडली दोनों को मिलाकर किसी अच्छे ज्योतिष से परामर्श लें। और मित्रों आप जाते जाते देखिए कमेंट में कुछ भी लिखना चाहें तो लिखें, कुछ कहना चाहते हैं कुछ कहें, तारीफ करना चाहते हैं तारीफ करें, गाली देना चाहते हैं गाली दें, बुराई करना चाहते हैं बुराई करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन भगवान गणेश माँ गणेशाय नमः लिखेंगे तो आपको ही आशीर्वाद मिलेगा। मित्रों भगवान गणेश आपको जरूर लाभ पहुँचाएंगे। तो मित्रों अभी देखिए मैं क्या चर्चा कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पर संयोग लिखा हुआ है कि बकरी बृहस्पति और मार्गी शुक्र 4 सितंबर से दोनों ही बकरी बृहस्पति 4 सितंबर से ये देखिए 4 सितंबर से और 1 अक्टूबर यानी दोनों ही बृहस्पति तो 31 दिसंबर तक बकरी रहेंगे पर शुक्र जो है कर्क राशि में मार्गी रहेंगे 1 अक्टूबर तक। तो 1 अक्टूबर तो दोनों का साथ साथ डिग्री वाइज बहुत क्लोज है दोनों और युवावस्था में है दैत्य गुरु और देवगुरु दोनों ही लगे और बकरी हो गए तो पिछली राशि पर सपोर्ट मिलता है और दोनों ही जो है देखिए मैं आपको बताता हूँ संयुक्त प्रभाव कैसे पड़ा है। अभी मैंने अलग अलग वीडियो बनाए हैं वीडियो जिसमें कि बृहस्पति का अलग प्रभाव है शुक्र का अलग प्रभाव है लेकिन अभी मैं देखा कि दोनों का संयुक्त प्रभाव भी पड़ता है तो कैसा क्या लाभ रहेगा। अभी वो वृषभ राशि रह गई थी तो बाकी सब राशि की चर्चा मैं कर चुका हूँ। अगर वृषभ की नहीं करता तो वृषभ वाले भी नाराज होते, हालांकि वृषभ को ज़्यादा अच्छा नहीं है इसलिए मैं इसको छोड़ रहा था लेकिन फिर भी देखिए कुछ तो अच्छा ही होगी होगी। तो वृषभ राशि चूंकि शुक्र की राशि है इसलिए चर्चा कर रहा हूँ मैं और शुक्र जो है यहाँ तीसरे भाव में बैठे हुए तो शुक्र का बैठना तीसरा भाव बहुत अच्छा है एक तो और शुक्र की दूसरी राशि जो है वो भी यहाँ छठे भाव में सप्तम राशि तो ये राशि बहुत अच्छी नहीं बैठी। हाँ बस वृषभ राशि लग्न में है और शुक्र का खुद बैठना तो देखिए चौथे भाव में तीसरे भाव में चौथी राशि में शुक्र बैठे हैं तो यहाँ बैठ करके दोस्तों से मित्रों से समाज के लोगों से पास पड़ोसियों से लाभ दिलाएंगे, मित्रता अच्छी होगी, संचार साधनों से लाभ मिलेगा यानी कम्युनिकेशन से आप धन कमा सकते हैं और यात्राएं होंगी छोटी मोटी उनसे भी लाभ मिलेगा। परिश्रम जितना करोगे उतना ही लाभ मिलेगा, यात्राओं में परिश्रम करने से पैसा आएगा। तो शुक्र यहाँ बैठ करके देखें शुक्र की दृष्टि यहाँ से पड़ रही है भाग्य भाव में, ये है जबरदस्त कि भाग्य भाव में अति बली मकर राशि है क्योंकि शनि भी बकरी है तो शनि का भी प्रभाव पिछली राशि में पड़ेगा। बकरी रहेगा तो शनि की पिछली राशि क्या है मकर, तो मकर राशि भी बहुत बलवान हो गई शनि की कृपा आकर के। मकर राशि पर शुक्र का दृष्टि पड़ रही है, शुक्र की अपने चेला की शनि तो चेले हैं तो अपने शिष्य की राशि में शुक्र देख रहे हैं भाग्य भाव में तो वृषभ राशि वाले शुक्र की खुद की राशि है अपनी राशि का भाग्य वर्णन तो शुक्र जरूर करेंगे क्योंकि यहाँ से शुक्र देख रहे हैं। तो भाई वृषभ राशि वालों के जातकों का भाग्य वर्धन हो गया, अरे भाग्य वर्धन हो गया तो सब कुछ मिल गया। भाग्य बढ़ जाने से नौकरी में तरक्की हो गई, भाग्य बढ़ जाने से देखिए नौकरी में खुश नहीं बैठे हुए हैं, भाग्य बढ़ जाने से व्यापार में लाभ हो गया, भाग्य बढ़ जाने से सब कुछ मिल गया। तो शुक्र का देखिए और शुक्र की राशियां भी ये राशि तो अच्छी है लग्न में
लग्न में शुक्र की राशि है और शुक्र जो कि यहाँ बैठ करके पराक्रम करा रहे हैं तो लाभ ले रहे हैं। और शुक्र की राशि लग्न का मतलब जातक की सुंदर शरीर, निरोगी काया, चेहरा मोहरा अच्छा, तो शुक्र खुद सौंदर्य देने वाले हैं, ऐश्वर्य कारक। और बृहस्पति देखिए यहाँ बैठे हुए हैं, कहाँ नहीं बृहस्पति, सॉरी ये पहली राशि मेष राशि में बाहर रहा हूँ, तो बृहस्पति की भी स्थिति अच्छी नहीं है, जैसे शुक्र की नहीं थी तो वृषभ राशि के लिए एक बार यही है कि भाग्य पर दृष्टि पड़ रही है। और बृहस्पति भी जो है बारहवें भाव में, तो खर्चे के भाव बैठे हुए। हाँ विदेश में आपका कुछ काम है, विदेश में व्यापार है, विदेश में नौकरी है, तो विदेश से लाभ मिलेगा, लेकिन खर्चा बृहस्पति कराएंगे। याद रखिए यार, कुछ दवाइयों का खर्चा, अस्पताल का खर्चा हो जाता। और यहाँ से देखिए शुक्र की राशि तुला राशि पे फल पड़ रहा है, तुला राशि यहाँ बैठी हुई है, तो तुला राशि की बृहस्पति की दृष्टि पड़ने से छठे भाव पे शुक्र की राशि है, बीमारियां भाग जाएंगी, कोर्ट कचहरी के केस में लाभ मिलेगा, एजुकेशन के क्षेत्र में प्रतियोगी परीक्षाओं में सब में तरक्की मिलेगी, इम्तहान में सक्सेस मिलेगी। और देखिए धन अगर आपने चाहा है, कहीं से ऋण लेना चाहा है बैंक से, तो मिल जाएगा। बृहस्पति खुद की दृष्टि पड़ रही है, बृहस्पति धन देने वाले हैं, धन का खर्चा भी कराएंगे और धन देंगे भी। तो देखिए और बृहस्पति जब यहाँ से दृष्टि डालेंगे, एक दो तीन चार पाँच, यहाँ पर छः सात, यहाँ पर आठ नौ, यहाँ पर तो बृहस्पति की दृष्टियाँ यहाँ पर तुला राशि पर पड़ रही है एक, तो और धनु राशि तो उनकी अपनी है अष्टम में, इसका मतलब अष्टम से भी अचानक धन की प्राप्ति, अचानक शेयर मार्केट से लाभ, अचानक पिता की संपत्ति, अचानक अचल संपत्ति, कोई ज्वेलरी, कोई मकान, कोई प्रॉपर्टी, कोई पैतृक संपत्ति अचानक से मिल सकती है इस भाव में, क्योंकि बृहस्पति की राशि है जहाँ बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है यहाँ से नवी राशि। और देखिए जब बृहस्पति बकरी हो गई, यहाँ ऐसा लगेगा यहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ से फिर एक दो तीन चार पाँच और यहाँ से ये नौ, नवम पंचम योग बन जाएगा शुक्र का और बृहस्पति का, तो नवम पंचम योग बड़ा अच्छा धन कारक सुख कारक होता है। बृहस्पति पंचम दृष्टि से शुक्र को देखेंगे तो ये देवगुरु, ये दत्तगुरु, बृहस्पति अपना बल, अपनी ताकत, अपना आशीर्वाद, हालांकि ये भी गुरु हैं, दोनों गुरु मिलकर के तृतीय भाव से अच्छा संबंध, अच्छा लाभ दिलाएंगे, पराक्रम से परिश्रम से लाभ मिलेगा। और देखिए ये जो है मीन राशि में बृहस्पति आ गए, और मीन राशि शुक्र की उच्च की राशि होती है, काल पुरुष की कुंडली के बारहवें भाव में मीन राशि होती है जहाँ शुक्र का उच्च का स्थान है, तो शुक्र की उच्च की राशि में बृहस्पति आ गए और बृहस्पति की अपनी राशि है, वो बृहस्पति लॉर्ड है मीन राशि के, तो शुक्र से कनेक्शन बन गया, पंचम नवम का बन गया और शुक्र की उच्च की राशि में बृहस्पति अपनी राशि में आ गए, उच्च की राशि शुक्र की और बृहस्पति की अपनी राशि, तो ये डबल कनेक्शन बन गया, नवम पंचम का योग बन गया, तो बृहस्पति और शुक्र दोनों मिलकर के फिर यहाँ से, तो ये तो लाभ भाव है, लाभ भाव में शुक्र की नवम पंचम का योग बन गया, तो एक अच्छी बात हो गई, लाभ तो मिल रही है, लाभ का मतलब पैसे ही पैसा मिल रहा है, भाग्य वर्धन से पैसा मिलना है, लाभ भाव से पैसा मिलना है, तृतीय भाव से भी आप परिश्रम करेंगे तो पैसा मिलना है, यात्राओं से पैसा मिलना है, तो शुक्र और बृहस्पति का तो भाई यही वृषभ राशि के लिए बहुत ज्यादा तो अच्छा नहीं है, क्योंकि इनका बैठना ज्यादा अच्छा नहीं है, इनका बैठना ज्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी लाभ भाव में जब बकरी बृहस्पति का असर पड़ रहा है तो लाभ तो मिलने ही मिल रहा है। और शुक्र को यहाँ से पंचम का देख रहे हैं, शुक्र का नवम पंचम का सहयोग हो रहा है, तो अच्छा तो है लेकिन उतना अच्छा नहीं है जितना और राशियों के लिए था, पर मैं इसका वृषभ राशि की चर्चा नहीं करने वाला था क्योंकि बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। वृषभ राशि के लोग फिर भी खुश हो जाओ, क्योंकि लाभ भाव से पैसा ही मिलेगा, लाभ मिलने का मतलब पैसा मिलना,
और लेकिन विदेश से भी पैसा मिलेगा, खर्चा भी होगा पैसा भी मिलेगा। तो देखिए मित्रों, अब ये रहा सब चर्चा शुक्र का और बृहस्पति का संयुक्त, यानी बृहस्पति का बकरी होना, शुक्र का मार्गी होना, पहले अक्टूबर तक दोनों साथ साथ। उसके बाद बृहस्पति तो 31 दिसंबर तक बकरी रहेंगे, उसकी चर्चा मैंने अलग की है, उसको आप मेरे वीडियो देखिएगा। तो मित्रों अभी मैं विराम लेने वाला हूँ, पर आपसे निवेदन है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट में महागणेश आय नमः लिखें, भगवान गणेश का आशीर्वाद पाएं। मित्रों नमस्कार।